हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू से स्नैक्स बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू से स्नैक्स बनाना। आलू स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने उबले हुए 5 आलू लिए हैं और इनको हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये हमने 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, इसको हमने चॉप कर लिया है। ये 2 टुकड़े गोभी के हमने कद्दूकस कर लिए हैं। और ये हमने 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है और 1/2 चम्मच हमने जीरा और नमक स्वाद अनुसार और 1/4 चम्मच हमने आमचूर पाउडर और चुटकी भर हमने हींग ली है। और ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आलू के अंदर ये गोभी डाल दूंगी, साथ ही मैं ये मसाले ऐड कर दूंगी इसके अंदर। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी इसके अंदर। और ये मैंने चावल लिए हैं, इनको हमने मिक्सी में पीस लिया है चावल को। अब मैं 2 चम्मच इसमें चावल का आटा डाल दूंगी ये, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये मैंने एक प्लेट ली है और इस पे मैं ऑयल लगाऊंगी। ये हमने इस थाली के अंदर ऑयल लगा लिया है, यह पेस्ट है। अब मैं इस पेस्ट को इसमें फैला दूंगी। और ये हमारा सारा पेस्ट हमने थाली के अंदर फैला दिया है। अब मैं चाकू की मदद से इसके पीसेस काट लूंगी। ये हमारे पीसेस कट के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें से एक पीस निकाल के हाथ पे ले लूंगी और इसे मैं हाथ से सेट कर दूंगी और इसे मैं प्लेट में रख दूंगी। और इसी प्रकार से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। और ये हमारी स्नैक्स बर्फी की शेप दी है हमने इसकी। इसी प्रकार से हम अपने सारे स्नैक्स को प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी सारी बर्फी की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। कॉर्नफ्लोर लिया है, अब मैं इसको घोल लूंगी पानी की मदद से, पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी इसका भी। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। चावल का आटा एक प्लेट में डाल लिया है, 2 से 3 चम्मच डाल लिए मैंने इसमें। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें से एक पीस उठाऊंगी और इसमें डिप करूंगी इसको। और अब मैं इसे चावल के आटे में भी डिप करूंगी और इसे मैं फ्राई कर दूंगी। इसी प्रकार से मैं अपने सारे पीसेस को तेल में फ्राई करूंगी। अब मैं इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ये हमारे आलू के स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। बहुत ही कम समय में बनने वाला ये आलू का स्नैक्स है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। ये हमारे आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।